लखनंदा नदी का निर्माण धौली गंगा नदी और विष्णु गंगा नदी धाराओं के मिलने से होता है। धौली गंगा नदी तथा विष्णु गंगा नदी सत्तोपंत हिमानी से निकलती है तथा विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से मिल जाती है और अलकनंदा नदी का निर्माण करती है। अलकनंदा नदी से आगे कर्णप्रयाग में पिंडार नदी आकर मिलती है तथा कर्णप्रयाग के आगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी आकर मिलती है तथा रुद्रप्रयाग से आगे देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी आकर मिलती है तथा भागीरथी एवं अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में तथा सबसे कम लंबाई झारखंड में है। गंगा नदी हिमालय से निकलकर हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 वितरिकाओं में विभाजित हो जाती है, हुगली एवं भागीरथी। भागीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और हुगली नदी पश्चिम बंगाल में दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच ब्रंज घाटी में बहने वाली दामोदर नदी पूर्व में बहते हुए हुगली नदी से मिल जाती है। गंगा की मुख्यधारा भागीरथी अर्थात गंगा बांग्लादेश में पहुंचकर पद्मा नदी कहलाती है। बांग्लादेश में पद्मा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है तथा इन दोनों की संयुक्त धारा पद्मा नदी ही कहलाती है। आगे चलकर पद्मा नदी में बराक या मेघना नदी आकर मिलती है तथा दोनों की संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती है तथा मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी का अंतिम नाम मेघना नदी है। बराक या मेघना नदी मणिपुर से निकलती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं अर्थात पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा को पद्मा नदी कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल फ्रीडम क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।